इन दिनों सोशल मीडिया पर एक जैन संत का पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। यहां प्रख्यात जैन मुनि विहर्ष सागर जी महाराज का कार्यक्रम एक साल पहले हुआ था और इस दौरान सिंधिया उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल इस समय प्रदेश में हर व्यक्ति पूछ रहा है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक जैन संत का पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो हालांकि एक साल पुराना है, लेकिन इस वीडियो में एक जैन संत ज्योतिरादित्य सिंधिया के मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी लोग चर्चा करते हैं, संध्या जी लोग हमारे सिंधिया जी, अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं। अभी एमपी से बड़ा लगाव है पब्लिक की पूरी तरह सेवा करना और एमपी को चमकाना, क्योंकि एमपी हमारा भी बहुत पीछे है, अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत पीछे है। उसे वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। यहाँ प्रख्यात जैन मुनि विहर्ष सागर जी महाराज का कार्यक्रम एक साल पहले हुआ था और इस दौरान सिंधिया उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। सिंधिया ने आशीर्वाद लिया और उनके प्रवचन में शामिल हुए। उसी दौरान जैन मुनि ने सिंधिया को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी कि सिंधिया ही मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी लोग चर्चा करते हैं, संध्या जी लोग हमारे सिंधिया जी, अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं। अभी एमपी से बड़ा लगाव है पब्लिक की पूरी तरह सेवा करना और एमपी को चमकाना, क्योंकि एमपी हमारा भी बहुत पीछे है, अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत पीछे है। उसे आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार है। सिंधिया के अलावा शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा भी सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि इन सभी ने खुद को सीएम पद की दौड़ से बाहर बताया है और बीजेपी आलाकमान पर छोड़ दिया है कि वो जिसे चाहे सीएम बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।